अब आपको बतलाते हैं कि बेसिक मीडियम में किस तरीका से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बाकी आपके सारे नियम वही हैं, लेकिन केवल ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने का नियम बिल्कुल अलग है। इसमें देखिए, ऑक्सीजन एटम को अगर आप बैलेंस करना चाहें तो पहले यह देखें कि जिस ओर ऑक्सीजन एटम जितना ज़्यादा है, आप उस ओर उतने ही ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ दें, और उसके बाद जितना आप H2O जोड़ेंगे उसके डबल अमाउंट में OH आप दूसरे साइड में जोड़ दें। बस यही केवल डिफरेंस है बेसिक मीडियम में, ठीक है। और सारा रूल एसिडिक की तरह ही चलेगा। दोबारा सुन लें कि इसमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2O का इस्तेमाल करते हैं, और H2O का इस्तेमाल उसी साइड होता है जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और उसके डबल अमाउंट में जो है OH को दूसरे साइड जोड़ा जाता है। ध्यान रखें, बेसिक मीडियम में अगर H+ कहीं पर भी आ जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही OH आपको दोनों साइड में जोड़ना होगा, ठीक है। बाकी सेम मेथड है, आप इस एग्जाम्पल से समझें। रिडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम लोग यह जो नाइट्रोजन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +2 है, यानी बढ़ रहा है, तो यह ऑक्सीडेशन फेज है, और जो क्लोरीन है वो +5 से -1 में जा रहा है, यानी यह रिडक्शन फेज है। तो पहले हम लोग इस एलिमेंट को इससे बैलेंस करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं N2H4, और इसे हमें बैलेंस करना है NO के साथ। तो बैलेंस करने का जो पहला नियम है वो ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 एटम है, तो हम यहाँ पर अगर 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन का एटम बैलेंस हो जाएगा। अब अगला रूल है ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ एक भी एटम नहीं है, यानी ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ ज़्यादा है, तो रूल के अनुसार ऑक्सीजन का जितना एटम जिस ओर ज़्यादा रहेगा उतना ही H2O एटम हम लोग उसी साइड में जोड़ देंगे ताकि ऑक्सीजन का एटम डबल हो जाए। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो रूल के अनुसार जितना हाइड्रोजन हम लोग इस साइड में जोड़ रहे हैं, ठीक है, जितना वाटर का एटम हम लोग इस साइड जोड़ रहे हैं उसका डबल OH यहाँ पे जोड़ना होगा, तो इसका डबल OH जो होगा वो हो जाएगा 4OH-, हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग अन्य एलिमेंट को देख लेते हैं कि वो बैलेंस है या नहीं। तो देखो, नाइट्रोजन दो है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन भी 2 और 2 4 है, बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 4 और 4 8 है, यहाँ पर केवल 4 है, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इस साइड में हाइड्रोजन 8 है और इस साइड में केवल 4 है, तो केवल हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4H+ दे दो। लेकिन समस्या ये है कि ये बेसिक मीडियम है, इसमें H+ नहीं आना चाहिए, तो इस H+ को हटाने के लिए हम लोग 4OH- दे देंगे, ताकि ये दोनों मिल करके हमारा 4H2O बन जाए। तो यहाँ पर 4OH- दिए हैं, तो यहाँ पर भी हमें 4OH- ऐड करना होगा ताकि दोनों बैलेंस रहे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चार्जेस के विषय में। तो यहाँ पर देखो, टोटल चार्जेज 4- एंड 4-, तो यहाँ पर टोटल जो चार्ज है वो 8- है, और यहाँ पर इसमें कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, और इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें 8- को बैलेंस करने के लिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन देना होगा। अब हम लोग टोटल रिएक्शन को बैलेंस करके यहाँ पे लिखते हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हो जाएगा N2H4, और ये दोनों मिल के हो जाएगा 8OH-, और यहाँ पे आ जाएगा 2NO और प्लस ये 2H2O और 4H2O हो जाएगा 6H2O, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा इसका है, यानी हमें Cl(O)3- को
बैलेंस करना होगा इसके साथ Cl- के साथ। क्लोरीन का दोनों एटम बैलेंस है, यहाँ देखो ऑक्सीजन का 3 एटम है, इसलिए हम लोग 3H2O को इसी साइड में जोड़ देंगे, और जितना H2O को जोड़ेंगे उसका डबल OH- अपोजिट साइड में जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब लास्ट में हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस एंड 6 माइनस, टोटल 7 माइनस है। तो चलो 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, चार्जेज भी बराबर हो गए। अब हमें इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब नियम के अनुसार दोनों को जोड़ करके हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये 6 है, ये 8 है, अगर हम लोग इसमें 3 से और इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों जो है वो 24 होकर के कैंसिल हो जाएगा, और अब टोटल जो इक्वेशन हमारा आएगा वो आ जाएगा 3N2H4, और ये हो जाएगा 24OH-, ये हो जाएगा 4ClO3-, और ये हो जाएगा 12 यानी 12H2O। इस साइड हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 6NO, और ये हो जाएगा क्या 18H2O, और ये हो जाएगा 4Cl-, और ये हो जाएगा 24OH-। अब देखो यहाँ पर जो 24OH- और 24OH- इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखो ये जो 12H2O है और यहाँ पर क्या है 18H2O, तो यहाँ ज़्यादा है तो इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल जो रिएक्शन हमारा आएगा 3N2H4 प्लस 4ClO3-, और उसको वहाँ ले जाएंगे यानी कि 6NO और प्लस 4Cl-, और इसको वहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा 6H2O। और इस तरीका से हमारा ये जो बेसिक मीडियम है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो एक रूल है वो यही है कि हम लोग जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम ज़्यादा था, है ना, तो जितना एटम ऑक्सीजन का ज़्यादा है उसी साइड में उतना ही H2O जोड़ेंगे, और उसका डबल अपोजिट साइड में OH को जोड़ेंगे। इसमें भी आप देखें कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि 8OH मतलब जोड़ा गया था, सॉरी इसमें अगर देखें तो यहाँ पर 3H2O जोड़ा गया क्योंकि 3 ऑक्सीजन आइटम यहाँ ज़्यादा था तो 3H2O जोड़ा गया, और क्योंकि यहाँ 3H2O जोड़ा गया तो इसका डबल 6OH यहाँ जोड़ा गया। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करके ये बेसिक मीडियम का कॉन्सेप्ट जो है वो बनता है, ऐसे ही बैलेंस होता है।